एससी एसटी एक्ट के विरोध में स्वर सेवा संस्थान द्वारा एक विचार गोष्ठी का आयोजन रविवार को बेतेहाता स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया। विचार गोष्ठी के मुख्य अतिथि पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन मधुसूदन त्रिपाठी का स्वर सेवा संस्थान लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर गोष्ठी में विभिन्न समाज से जुड़े लोगों ने अपने विचार रखे। गोष्ठी में आगामी लोकसभा चुनाव में स्वर समाज की भूमिका को लेकर चर्चा किया गया। गोष्ठी में अध्यक्ष बार एसोसिएशन वीरेंद्र शाही ब्राह्मण, एकता मंच के अध्यक्ष इंजीनियर संतोष कुमार मिश्रा, सिंधी समाज के ओम प्रकाश करमचंदानी, अध्यक्ष अग्रवाल समाज पुष्प दंत वैंज, संयोजक चित्रगुप्त मंदिर वैद्य अरुण कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष क्षत्रिय समाज विश्व नारायण सिंह, शरद चंद्र अग्रहरी, जितेंद्र राय, अनुपलाल, अजय श्रीवास्तव सहित भारी संख्या में विभिन्न समाज के लोग मौजूद रहे। करोड़ तो तमाले हैं मनु जी, आएंगे मोदी जी आएंगे, पूरे अयोध्या को जलाते, और जो सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए तय करेगी उसको आप तय करेंगे। असली चेहरा सामने आता, सब पहचान सरल हो जाती, तू अपनी जमीन पर आते एक पहेली हल हो जाती, लश्कर है तैयार, पूछ का डंका भी बजने वाला है, तू रथ की पहिया बन जाते, ये जनक्रांति सफल हो जाती, यह जनक्रांति सफल हो जाती। जय हिंद, जय भारत। यह राजनीतिक मंच नहीं है, यह तो विचार गोष्ठी है, और विचार गोष्ठी जो है वह दो प्रकार से होनी चाहिए। एक तो विचारों का जो है वह आदान प्रदान एक बंद कमरे में बैठकर और बिना मंच के होना चाहिए, और दूसरा जो हम आज कर रहे हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है आरक्षण पर है और एसटी एक्ट पर है। आप जानते हैं हमारे तमाम पूर्व वक्ता ने जो अभी बोला कि आरक्षण के संबंध में संविधान में 10 साल की व्यवस्था की गई है। मित्रों, किसी भी आंदोलन को जो है तब हम जीत सकते हैं जब उस आंदोलन को लड़ने के लिए हम उसके जो है दिशा और दशा को जाने। स्वतंत्रता की लड़ाई ऐसे नहीं जीती गई, महात्मा गांधी जैसा विद्वान आदमी उसका नेतृत्व कर रहा था। हम जाने कि आरक्षण पैदा कहां से हुआ, जो संविधान हमारा बना है जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिस संविधान सभा की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया और निर्मातृ सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया, वह संविधान में कहीं जो है आरक्षण के संबंध में इस तरह की व्यवस्था 10 साल के लिए नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 15(4) यह कहता है कि समाज के शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़े जाने के लिए उनको आरक्षण दिया जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद से लेकर के और जब तक मंडल कमीशन नहीं आया तब तक सारे स्टेटों ने अपने अपने तरीके से जो है आरक्षण के लिए नीति निर्धारित कर लिया। लेकिन जब 1979 और 80 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ गई कि समाज धारा में जोड़े जाने के लिए क्या और भी ऐसे उपाय हैं कि जिससे जो है जो संविधान का अनुच्छेद 15(4) है उसका उद्देश्य सफल हो, तब मंडल कमीशन ने लाया कि हम जातिगत आधार पर आरक्षण दें। किसी को नहीं पसंद करते हैं तो हमारी 51% वोट होना चाहिए, जो मौजूदा वोट पोल हुआ 51% वोट नोटा का पोल हो गया तो वह चुनाव रद्द है। हम उसको पैदा करें, विचार पैदा करें कि हम साहब किसी को पसंद नहीं करते, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। आज एक शेर याद आ रहा है कि जब वक्त पड़ा था गुलशन पर हमने ही लहू का दान दिया, अब मेरे लहू के छींटों से होली भी मनाई लोगों ने, और जब वाले नशेमन भी न रहा तब झूम के बरसा पानी भी, उस वक्त कहाँ थी काली घटा जब आग लगाई लोगों ने, जब आग लगाई लोगों ने। साथियों, जब मुल्क में आजादी की लड़ाई चल रही थी हमारे बीच का ही हमारे ही कुल खानदान का वह पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों के जुर्म के आगे चर्बी लगे हुए कारतूस को मुंह से लगाने के लिए मना किया और आजादी की लड़ाई की पहली चिंगारी उसने शुरू की।
आज इस देश में आजादी के बाद आप सब जानते हैं इस मुल्क को आजाद कराने में सवर्ण समाज की प्रमुख भूमिका रही है। हम लोगों ने बलिदान दिया और उसके फलस्वरूप आज हम आजाद देश में सांस ले रहे हैं। कभी हम लोगों ने अपने व्यक्तिगत हितों के संबंध में सोच करके वोट नहीं किया, अपने संरक्षण, अपने उन्नति और अपने विकास के संबंध में सोच करके कभी वोट हम लोगों ने नहीं किया। अभी हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक श्री अजय शंकर जी ने कहा कि सत्ता को हाथ में लेने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा इस पर मतांतर हूं कि सत्ता हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, सत्ता को मजबूर करने की जरूरत है। दूसरा कि किसी के साथ प्रचार करने का ठेका, ये मेरे दादा है, मेरे काका है, मेरे नाना है, मेरे फूफी के फूफा है, यह कह करके आप अपने साथ प्रचार करना मोहल्ले में बंद कर दीजिए, दो काम। तीसरा काम कि आप न एजेंट बनिए और न अपने किसी साथी सवर्ण को बनने दीजिए, कहानी अपने आप खत्म कर दूंगा, कर देंगे आप। अभी आपने कहा कि वोट नहीं पड़ता है, इसका छोटा सा जवाब, भाई ये बहनें ये माताएं क्यों वोट डालने जाए, मेरा सवाल है आपसे, क्यों वोट डालने जाए, क्या मिलता है उन्हें वोट डाल करके? 70 सालों से जिसने वोट डाला उसको क्या मिला? साथियों, हम सभी माताओं बहनों को यह बताना पड़ेगा कि यह आपके बच्चे की लड़ाई है, यह आपके बच्चे की लड़ाई है, इसलिए आपको वोट देना होगा। यह आपके बच्चे के वो भविष्य की लड़ाई है, आपको वोट देना होगा। मित्र, जिस दिन किसी भी महिला बहन के अंदर, माताओं के अंदर यह आप दिमाग में डालने में सफल हो गए कि यह जो वोट देती धन देती है वह इन्हों के लिए है जिन्होंने मेरे बच्चे का भविष्य खा रखा है। नहीं, इन्होंने 10 साल के लिए आरक्षण दे दिया, या फिर हम उनको बख्श दें जिन्होंने कहा कि नहीं, देश की सामाजिक समरसता विषमता इतनी अभी व्याप्त है कि इसको चलाने के लिए थोड़ा और आरक्षण को बढ़ाए रखा जाए, या हम उनको माफ कर दें। मेरे हाथ में एक लाल पर्चा है, अभी मंच पर दिया गया, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे समाज के 386 नौजवानों ने अपनी आहुति दे दी, जिसको हम भूल गए, जिनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हमने उनकी सरकारें मुड़वाई, उनकी जय जयकार बोले, क्या मैं उनको भूल जाऊं? आपने आह्वान किया 24 सितंबर को आइए टाउन हॉल के मैदान में, हम उनको श्रद्धांजलि दे दें, तो मैं उस श्रद्धांजल सभा में जाऊं तो क्या उन्हें भुला के जाऊं जिन्होंने उनकी हत्या करवा दी? मैं उसको हत्या सब देता हूं, आत्महत्या नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं कि उन्होंने बाध्य किया मेरे 386 पालियों को आत्महत्या करने के लिए, क्या मैं भुला कर उस श्रद्धांजल सभा में जाऊं?